खबर महाराष्ट्र से है, जहां 40 गांव शहर पुलिस थाना इलाके में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि आरोपी मासूम को लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। वहीं इस मामले में आरोपी को जलगांव जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण गुडमुड़े और अपर पुलिस अधीक्षक रमेश चोपड़े के मार्गदर्शन पर हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि 17 दिनों में पूरी जांच करने के बाद आरोपी को 2,00,000 रुपए के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज जलगांव न्यायालय में 40 गांव शहर पुलिस स्टेशन का जो खटला था कि जिसमें एक 4 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ था, तो वो खटले में आरोपी को 4 अलग अलग गुने के अंदर आजन्म कारावास हुआ है और उसको जो सजा हुई है उसमें 2,75,000 रुपये का उसको दंड किया है। उसके अलावा ये आरोपी को सरकार ने 10 लाख रुपये का पीड़िता को 10 लाख रुपये का कॉम्पेंसेशन देने का है, ये भी कोर्ट ने आदेश किया है। जलगांव जिले के 40 गांव शहर पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर 2021 को एक 4 साल की लड़की पर बलात्कार 376 IPC और पोक्सो के सेक्शंस के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया था। इस गुने का चार्जशीट जो जांच तपास है वो 16 दिन के अंदर DNA रिपोर्ट और CA रिपोर्ट के साथ करके हमारे API श्री विशाल टकले, DYSP श्री कावड़े, PI श्री पाटिल और एडिशनल SP श्री रमेश चोपड़े एवं उनके सहकारी कर्मचारियों की मदद से सिर्फ 16 दिनों में इस गुने का चार्जशीट किया गया था। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 40 गांव में 4 साल के उम्र के बालिका पर बलात्कार करने वाला सावळीराम शिंदे को 40 गांव शहर पुलिस स्टेशन के DYSP कैलाश जी गावड़े और उनके सहयोगी API विशाल जी टकले, इनके पथक ने उनको हिरासत में लेके उन पे मुकदमा जलगांव जिले के फास्ट कोर्ट में 17 दिन में पूरा करने के बाद जलगांव जिला न्यायालय ने उन्हें 2 लाख के जुर्माना के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई दी और उन्हें सजा देने के बावजूद जलगांव जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण जी मुंडे, अपर पुलिस अधीक्षक रमेश जी चोपड़े, इन्होंने DYSP कैलाश जी गावड़े और विशाल जी टकले इनका सम्मान सत्कार करके उन्हें सम्मानित किया और ये न्यायालयीन कामकाज पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बजाने वाले सहकारी वकील केतन ढाके जी, इन्होंने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण बजाने के बाद आरोपी को सजाई सुनाई दी। 40 गांव से आनंद खरात, MK न्यूज।